जी आज की वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं पोपो F4 GT वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A73 का। इसका कंप्लीट कंपैरिजन करूंगा। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी ताकि आपको कंप्लीट कंटेंट की समझ आ सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी ये देख सकते हैं हमारे पास है पोपो F4 GT और यहाँ पर मौजूद है सैमसंग गैलेक्सी A73 5G। पोपो F4 आया है 26 अप्रैल को और यहाँ पर ये आया 17 मार्च को। ठीक है, दोनों 2022 मॉडल हैं। ठीक है, और पोपो थोड़ा हैवी है, F4 GT देख सकते हैं यहाँ पर 210 ग्राम वेट है इसका और यहाँ पर इसका 181 ग्राम वेट है। और इसमें ये भी देख लेते हैं, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक एलुमिनियम फ्रेम है, जबकि A73 का बिल्ड क्वालिटी मेंशन नहीं की गई। ठीक है, और यहाँ पर किसी किस्म की IP68 IP67 रेटिंग मौजूद नहीं है पोपो में, पोपो F4 GT में, जबकि A73 में देख सकते हैं IP67 की रेटिंग मौजूद है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले डाला गया है इसमें, सुपर एमोलेड प्लस 120 Hz का डिस्प्ले डाला गया है A73 में। और इसकी स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो बड़ा है पोपो F4 GT से, 6.7 इंच का स्क्रीन साइज़ है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87%, 5 इंच पिक्सल डेंसिटी है इस मोबाइल की A73 की 393। ठीक है, और इसके पिक्सल्स की बात की जाए तो दोनों मोबाइल्स के सेम पिक्सल्स हैं, देख सकते हैं आप 1080x2400 और दोनों मोबाइल्स में एंड्रॉयड 12 आता है। ठीक है, और यहाँ पर A73 की बात कर लीजिए तो स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर आ रहा है इसमें, जो 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बना हुआ प्रोसेसर देख सकते हैं आप। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ, अभी F4 GT का देख सकते हैं, यहाँ पर हमें खाली एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और 120 Hz का रिफ्रेश रेट मौजूद है, 6.67 इंच का डिस्प्ले है जो कि टेक्निकल तौर पे छोटा है A73 से, बट आपको ज़्यादा देखने में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी थोड़ा है, यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देख सकते हैं 86.2% और पिक्सल्स दोनों के सेम है देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रोसेसर फ्लैगशिप आ रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, यहाँ पर मिल रहा है हमें 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, स्टोरेज आ गई हमारे पास दोनों की और पोपो F4 GT 8 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक अवेलेबल है और 128/256 GB स्टोरेज अवेलेबल है। अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 6 GB देख सकते हैं, यहाँ पर 6 GB की रैम दी गई है एंड 6 GB से लेकर 8 GB तक रैम मौजूद है यहाँ पर A73 में। और स्टोरेज की बात की जाए तो 128 GB स्टोरेज से लेकर 256 GB स्टोरेज मौजूद है A73 में। अभी हम F4 GT की ज़रा कैमरास की तरफ नज़र डाल लेते हैं, देखें 64 MP का मेन सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मोनो सेंसर लगाया गया, 4K वीडियो कैपेबल है, 60 FPS 1080p वीडियो शूट करेगा ये, 30, 60, 120 FPS 720p वीडियो शूट करेगा, 960 सुपर स्लो मोशन। और फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया F2.4 एपर्चर के साथ, 4K वीडियो नहीं बनाएगा ये, जस्ट 1080p वीडियो बनाएगा, 60 FPS 720p वीडियो 120 FPS। स्टीरियो स्पीकर मौजूद है, 4 स्पीकर लिखे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों मोबाइल्स में मौजूद ही नहीं है। और अभी हम ब्लूटूथ पे भी नज़र डाल लेते हैं, 5.2 आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम वापस चलते हैं सैमसंग गैलेक्सी A73 पर। ठीक है, ये हमें 108 MP का मेन शूटर मिल जाता है F1.8 अपर्चर के साथ, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP के डेप्थ एंड मोनो सेंसर लगाए गए हैं, 4K वीडियो कैपेबल है, 30 FPS 1080p वीडियो, 30, 60 FPS विद EIS इमेज स्टेबलाइजेशन। फ्रंट कैमरा पे हमें मिल जाता है सिंगल सेंसर 32 MP का F2.2 अपर्चर के साथ, 4K वीडियो बनाएगा 30 FPS 1080p वीडियो भी 30 FPS, 3.5 mm ऑडियो जैक मौजूद नहीं है। ठीक है, इसमें आ रहा है हमारे पास ब्लूटूथ 5.0 देख सकते हैं ब्लूटूथ। अभी हम बात कर लीजिए इन दोनों की बैटरीज की, पहले हम स्कैनिंग की बात कर लेते हैं बाद में बैटरीज पर आते हैं। ये देख सकते हैं हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है साइड में GT में, F4 GT में, और यहाँ पर A73 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। ठीक है, और पोपो के मोबाइल में हमें 4700 mAh की बैटरी मिलती है और 120
वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 100 मिनट्स में 100% चार्ज करेगा फ़ोन सिर्फ 17 मिनट में, देख सकते हैं आप। और सैमसंग में हमें मिलता है 5000 mAh की बैटरी, सिर्फ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग, ठीक है। दोनों की प्राइस की बात कर ली जाए तो लगभग मिलती जुलती प्राइस है दोनों की, यहाँ पर 499, यहाँ पर भी 500 है, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 500 यूरो लिखा हुआ है। और मैं F4 GT की आपको ज़रा ये बैटरी लाइफ दिखा दूँ, ये है पोपो F4 GT की बैटरी लाइफ, ठीक है, 81 आवर्स। इस किस्म के मज़ीद कंपैरिजन देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मालूमात दूसरों तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर मैंने अपने वीडियो का लिंक अपलोड कर दिया है एंड स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं आईफोन की वीडियोस आ रही, मेरा चैनल आ रहा है, ठीक है। चाहे तो आप आई बटन पर भी जाकर मेरी मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।